क्लास से आज हम पार्ट 7 भारत के लाल, भारत के लाल लाल बहादुर शास्त्री जी उनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम जो हैं बार समय समय पर आपने कई इसमें अब हमारे देश के महापुरुषों के बारे में अपने महान जिन्होंने अपना जीवन देश के नाम पर समर्पित कर दिया उनके बारे में पढ़ा है। ऐसे ही एक लाल, लाल याने बालक बेटा, एक ऐसा बेटा जो कि लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनकी छवि बहुत साफ सुथरी थी, बहुत नेक और ईमानदार थे वे, इसलिए उनको प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस समिति में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। और लोग जो थे वो उनकी छवि से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया और वे देश के प्रधानमंत्री बने। और वे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक अपनी मृत्यु के लगभग 18 महीने तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और वे इस पद पर रहते हुए उनका कार्यकाल जो है वो अद्वितीय रहा है, जिसको अविस्मरणीय कहा जाएगा, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है, ऐसा उनका ये प्रधानमंत्री रहते हुए उनका जीवन रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत कठिन परिस्थितियों में देश को उबारा प्रधानमंत्री रहते हुए, और इसका जो श्रेय जाता है उसका श्रेय उनके जीवन के लिए भी जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन जिया और स्वयं को इस काबिल बनाया, या यूँ कहें कि उनके संघर्ष के कारण ही वे निरंतर संघर्ष, सेवा से, ईमानदारी से, नेकी से रहने के कारण ही वे इस प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे थे। तो इनके शासनकाल में ही 1965 में भारत पाक का युद्ध शुरू हुआ था, और उससे पहले नेहरू के शासनकाल में, यानी जब नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय भारत 1962 का भारत चीन युद्ध हार चुका था। तो 1965 में जब भारत पाक के बीच में युद्ध शुरू हुआ, उससे 3 साल पहले का जो युद्ध था 1962 का, वो भारत हार चुका था, उसके झोली में एक हार थी। और उधर पाकिस्तान जो था उसको इस बात का उत्साह था कि भारत जिस तरह से चीन से हार गया है वो भी भारत को हरा देगा। परंतु 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। और ये सब किस कारण हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व के कारण हुआ था। उनका नेतृत्व, उनका जुझारूपन जो था, जिस तरह के उन्होंने अपने जीवन को देखा था, उसी जुझारूपन से उन्होंने भारत को 1965 के इस युद्ध में विजय दिलाई थी। उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, और देश का प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इसे बखूबी निकाला। और इसी भारत पाक समझौते में, जब 1966 ताशकंद में जब समझौते के लिए गए थे रशिया में, वहाँ पर उनकी रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद में बहुत सारी जिस पर चर्चाएँ हैं कि उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, और बहुत सारी बातें हैं कि इस तरह से वहाँ पर हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे, वास्तव में उनका जीवन ऐसा रहा है कि कोई भी आज के समय में भी उनका जीवन
हम सब के लिए एक प्रेरणा है, हर किसी नौजवान के लिए एक प्रेरणा है जो अभाव में जी रहा है। अभाव यानि जिनके पास जीने के लिए सामान्य सुविधाएं भी नहीं है, जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन रहा था कि सामान्य सुविधाएं भी नहीं थी उनके पास में, नदी से नदी में तैर कर नदी पार, एक कभी कभी वो जो इकन्नी दुकन्नी से नाव को पार किया तो वो भी नहीं होता था, स्कूल में जब जाते थे तो उसके लिए भी वो नदी पार करके जाते गए और वहाँ से उसी तरह से आए क्योंकि पैसा नहीं था। और किताब के किताबों का उसका जो भी अभाव रहा, उन्होंने बहुत अपने जीवन में संघर्ष किया और इसी कारण भारत को भी संघर्ष और कठिन परिस्थितियों से उबारा। तो उन्होंने वो सबके लिए एक प्रेरणा है कि कैसे कम सुविधाओं के बीच भी उन्होंने पढ़ाई की और देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। उनका संपूर्ण जीवन ऐसा रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पैसे को और इस चीज़ को ईमानदारी नहीं, उनके बहुत सारे किस्से हैं में कि देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी कहा जाता है कि उनका बेटा बस स्टैंड पर, दिल्ली के बस स्टैंड पर खड़े होकर, जबकि उस समय उन्हें कार की सुविधा मिल सकती थी, लेकिन वहां पर बस स्टैंड पर खड़े होकर बस में बैठकर वहां जाया करते थे, कॉलेज जाया करते थे। तो इस तरह से शास्त्री जी, तो उन्होंने कभी अपने बच्चों को भी, उन्होंने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी, कभी उस पद का उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। उनके बच्चों का जीवन भी उतना ही साधारण रहा था। तो उन्होंने अपने जीवन का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा है, हम जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, कि असुविधाएँ अगर हैं तो उन असुविधाओं पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, और उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता है शिक्षा। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं, मैं पढ़ रही हूँ इसे। तो सन 1965 की बात है, रुड़की विश्वविद्यालय, वर्तमान IIT रुड़की में चहल हलचल थी, दीक्षांत समारोह की तैयारी चल रही थी जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री आने वाले थे। पाकिस्तान युद्ध अभी हाल ही में समाप्त हुआ था, अतः सुरक्षा काफ़ी कड़ी थी। छोटा सा शहर रुड़की इस बड़े समारोह के लिए तैयार था। पाकिस्तान से हुए युद्ध में विजय का जोश लोगों से में भरा था, सभी अपने उस छोटे परंतु ओजस्वी, जिनमें ऊर्जा थी, प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए आतुर थे। आजकल की तरह उन दिनों जनता को नेताओं के पास जाने से रोका नहीं जाता था। हेलीकॉप्टर रुड़की छावनी के मैदान में उतरा, छावनी से अतिथि गृह तक सड़क के दोनों तरफ अपार जनता भारत माता की जय, शास्त्री जी की जय के नारे लगा रही थी। शाम को कुलपति के निवास पर चाय के निर्धारित कार्यक्रम के साथ साथ विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भेंट का समय तय था। मुझे भी उस समय उनको साक्षात निकट से देखने का अवसर मिला। सफ़ेद धोती कुर्ता व गांधी टोपी पहने तकरीबन 5 फुट के शास्त्री जी की आंखों में तेज, चेहरे पर मंद मुस्कान तथा मधुर व शांत वाणी ने मुझे उनके व्यक्तित्व की आभा में जैसे बांध सा लिया। तो उनकी आंखों में एक जो चमक थी, रोशनी थी, जो उनके आंखों के ट्विंकल थे, चेहरे पर जो हर समय मुस्कान खिली रहती थी, और उस मुस्कान के साथ उनकी जो बोली थी वह भी अत्यंत मीठी थी, जो किसी भी व्यक्ति को मोहित कर ले। उनके व्यक्तित्व को देखकर कौन कह सकता था कि इस कोमलता के पीछे
एक दृढ़ निश्चय एवं चरित्रवान व्यक्ति छिपा हुआ है। छोटा कद था, छोटी हाइट थी, उनका कद छोटा था, लेकिन वो अपने निश्चय दृढ़ संकल्प में कहीं छोटे नहीं थे। और ये बात 1965 का युद्ध जो भारत ने जीता था उसे पूरी तरह से चरितार्थ करता है। वह छवि आज तक मेरे मानस पलट पर ज्यों की त्यों अंकित है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। ये मुगल सराय जो है वाराणसी, आज के समय के जो बनारस है वाराणसी, वहाँ पर है, उसके नज़दीक का एक शहर है ये, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। शास्त्री जी के पिता श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे तथा माँ रामदुलारी देवी एक गृहिणी थी। काशी विश्वविद्यालय से शास्त्री की डिग्री लेने के बाद उनके नाम के साथ के अंत में शास्त्री लग गया। जब ये 1 साल के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही उनके जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। पिता का अभाव तथा गरीबी की मार ने राह में बाधा तो कई पैदा की, परंतु इन्हें आगे बढ़ने से रोक न सकी। घर में सब इन्हें नन्हे कहकर पुकारते थे। वे कई मील दूर नंगे पांव चलकर विद्यालय जाया करते थे। गर्मी से सड़कें तप रही हों या ठंड में पैर ठिठुर रहे हों, संघर्ष का यह क्रम निरंतर जारी रहता। बड़े होने के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रियता से भाग लेना शुरू किया। इस दौरान वे कई बार जेल भी गए। 1930 में गांधी जी के साथ नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। हमारे तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के शब्दों में, लाल बहादुर शास्त्री समय के महान पारखी थे। विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने समय के सदुपयोग का महत्व समझ लिया था। गरीबी से संघर्ष था तो क्या, हार मानना उन्हें कदापि स्वीकार नहीं था। ठीक है बच्चों, अगला भाग जो है अगले हम वीडियो में करेंगे।